मैं थोड़ा चीज़ उसको भी बोलना चाहूँगा और उसका ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा, आप जो चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो ना वो चीज़ गलत है। जो गलत चीज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके पास भी वो आएगा कभी ना कभी, कर्मा रिटर्न्स यू बैक होता है। अगर खराब चीज़ कर रहे हो तो खराब चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा, वो दिन भी आएगा आपके पास। तो ये भाई ने 9 फरवरी से मेरे को इनका स्टार्ट हुआ था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि क्या हुआ था मेरे साथ क्या नहीं, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था या इसका प्रूफ दिखाऊंगा। देखो इसमें स्टार्ट हुआ था, किसका नंबर दिया था इसमें तो इन्होंने बोला कि ये नंबर पे पेमेंट कर दें, तो मैंने पेमेंट कर दिया इनके नंबर पे। तो देखो इसमें ये बोल रहा था ये इसने पेमेंट कर दिया 18,000, इसमें 15,000 और इसमें 3,000, ठीक है 18,000 हो गया। इसके बाद डाइट वगैरह सब कुछ ठीक है, डाइट तो नहीं शेड्यूल वगैरह, शेड्यूल मिल गया था। इसके बाद मैंने बोला कि कंपटीशन है एक मार्च में, ताकि मेरे को तो ज़्यादा प्रेफरेंस दे, प्रेफरेंस तो कुछ भी नहीं मिला मेरे को ठीक है, थोड़ा एक शेड्यूल मिला था उसके बाद और कुछ नहीं मिला मेरे को। और शेड्यूल भी वो पावर लिफ्टिंग वाला ही था, रिकवरी वाला कुछ नहीं था, रिहाब वाला कुछ नहीं था, और मैंने ज्वाइन किया था रिहाब के लिए। उसके बाद मैंने बोला कुछ स्क्वाट्स डेडलिफ्ट और बेंच का पीआर दिया, कंपटीशन डेट बोलना मार्च 10 मैंने बोल दिया ठीक है। इसके बाद मैं फ़ोन किया, इन्होंने बोला बिना पूछे कॉल मत किया करो प्लीज़ ठीक है, मान लिया। मैंने पूछा कॉल करूँ अब, ट्राइड ए कॉल बट सीम्स बिजी राइट नाउ, प्लीज़ कॉल व्हेन यू फ्री, मैंने दे दिया इसका नंबर दिया ठीक है। पुराना वाला ही अपडेट हुआ है, मैंने पूछा शेड्यूल आया नहीं अभी तक, पुराना वाला अपडेट कर दिया इसने बोला ठीक है। और इसके बाद देखो आप देख लो, छोटा रखेंगे वीडियो को, भाई थोड़ा बिजी था कॉल कर लेना आप। इन्होंने बोला प्लीज़ कॉल आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद मैंने कॉल नहीं कर पाया, तो मैंने बोला कि बिजी था कॉल कर लेना आप। हेलो कॉल करूँ, मैंने पूछा यस कॉल किया, हेलो यस कॉल करूँ, पेमेंट कर दिया कॉल, तब मैंने कॉल किया था पेमेंट का बात हुआ, पेमेंट कर दिया पेड थैंक यू। पेमेंट के जब टाइम आता है ना वो कॉल सही से रिसीव करता है, बात भी करता है। ट्राइड ए कॉल भाई जब फ्री पे कॉल, मैंने बोला कि भाई जब कॉल पे बात हुआ था तब डेली वीडियो कॉल चेक इन्स का बात हुआ था, तो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं मिल रहा मेरे तरफ से, सब तो 100% दे रहा हूँ ठीक है। उसमें रिस्पॉन्स किया, मैंने बोला सामान कब आएगा, सामान का भी ऑर्डर किया था मैंने, तो वो भी दे दिया एड्रेस। हेलो 20 फरवरी को मैंने सामान का ऑर्डर दिया ठीक है, सामान का पेमेंट भी पहले कर चुका था, ये रहा 19 फरवरी को, 19 फरवरी के सामान का पेमेंट कर दिया था, 20 फरवरी को मैंने एड्रेस भेजा यानी अपडेट, भाई कोई अपडेट बोला था मॉर्निंग, उनका मॉर्निंग होता है 3 बजे, मैंने पूछा अब मॉर्निंग हुआ क्या, ठीक है ये मजाक में बोल दे, कॉल करूँ तब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप देख लो कॉल करूँ, भाई कॉल करना जब फ्री हो जाओगे, भाई रिसिप्ट भाई ट्रेनिंग के लिए पार्ट डे चेक इन्स था वीडियो कॉल में, 2 दिन में एक कॉल भी नहीं होता, देख लो आप एटलीस्ट मैसेज का रिप्लाई तो दिया करो। कोई बिगिनर अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये बात सुनो, कोई बिगिनर अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करेगा तो उसको तो कुछ भी पता नहीं चलेगा ठीक है। मैं तो बिगिनर नहीं हूँ फिलहाल ठीक है, संडे है सर, इनका आंसर था संडे है सर ठीक है, ओके भाई थोड़ा कभी बात करने से भी हो जाएगा भाई, गुड नाइट अच्छा लगता है, मैंने बोल दिया ठीक है। अब मेरा हम्बलनेस देखो, इसके बाद अब बताना थैंक यू भाई ठीक है। इसके बाद रिसिप्ट, मैं बोला था भाई रिसिप्ट, मैंने फ़ोन किया था, इसने बोला फ़ोन करके भाई बिना पूछे मत फ़ोन किया करो। 26 फरवरी को मैंने फ़ोन किया था, कॉल किया था कि रिसिप्ट के लिए, 26 फरवरी को ये स्क्रीनशॉट देता है, फ़ोन रिसीव करके बोलता है बिना पूछे कॉल मत किया करो ठीक है। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट देता है कि मैंने कोई मैसेज किया नहीं है, उसको पूछा नहीं है। इसका मैं बोल रहा था, इसका बात कर रहा था मैं। इसके बाद मैंने पूछा कि भाई साहब रिसिप्ट भेज देना फलाना ढिंगाना, ये चल रहा। मैंने ऑडियो प्लीज़ टैक्स भाई, मैंने बोला कि भाई हर दिन ट्रेनिंग करता हूँ, जो मैंने पहले भी बोला था 20% मिल रहा है रेस्पॉन्स, बाकी मिल ही नहीं रेस्पॉन्स। भाई साहब कॉल करूँ, ये चल रहा है, देखो आप चल रहा है। हेलो भाई, आया था इसका मैसेज, हेलो भाई सामान अभी तक नहीं आया, 4 वीक का कंप्लीट होने वाला है, कॉल करूँ मिल नहीं रहा है, कॉलिंग एट 5:30 भाई, देखो थैंक यू सो मच 5:30 ठीक है, कॉलिंग कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिला फ्री होके। मैंने बोला फ्री होके रिसीप्ट भेज देना कुरियर का, मिला नहीं, मैं भेज दूंगा जल्दी थोड़ी देर घर पहुंच गया, सो भी गया, लेकिन रिसिप्ट आया नहीं ठीक है। रिसिप्ट कॉल पे बात हो सकता है, वो किसने क्या दिखाया, तो रिसिप्ट आया नहीं अभी तो, वो
ओपन, मतलब ओपन हो गया ये, वो कुछ बोलते हैं ना एक फ़ोटो ऐसे करके देता है जो ओपन होने के बाद और नहीं होता है। तो ये स्टडी कल, कल का बात कर रहा हूँ, जब शॉर्ट वगैरह दे दिया मैंने, कॉन्वर्सेशन भी उसके साथ हो गया, ऑडियो कॉल में भी वो बोल दिया कि तू जो करना है कर, जो डालना है डाल, मेरे को कुछ घाटा नहीं पड़ेगा, कुछ मैटर नहीं होता है, मेरे को कुछ नहीं मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तू जो पड़ेगा तेरा पड़ेगा, तेरा घाटा पड़ेगा। तो मैं भाई बोल देता हूँ पहले, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, अगर मैं कुछ ख़राब नहीं किया तो मैं किसी से डरता वरता नहीं, 1% भी डरता नहीं हूँ मैं किसी से, अगर मैं कुछ ख़राब नहीं कर रहा हूँ ना, कुछ निगेटिव कर नहीं रहा हूँ, और मैं करता भी नहीं हूँ किसी को, किसी से ऐसा वैसे फालतू वो जैसा करता है ना, मैं करता भी नहीं हूँ, ठीक है भाई। एक ही ज़िंदगी है, अच्छे अच्छे से रहो, खाओ पियो, मौज करो, ठीक है। तो कल उसका वो देखा कि ये रील पे 8 मिलियन व्यूज़ चला गया है, तो उसका कुछ असर हुआ इसका, तो इसने बोला जयज्योति हेलो, मैंने उस दिन एक स्टोरी भी दिया था इंस्टाग्राम पे कि भाई आज अगर तूने, तू वो नहीं देगा रिसिप्ट, मैं 12 बजे के बाद स्टोरी अर्काइव कर दूंगा, सॉरी रील्स अर्काइव कर दूंगा, अर्काइव नहीं अनअर्काइव, जो शोहन प्रोफाइल है तो शोहन प्रोफाइल कर दूंगा, तो इसके बाद तू मेरे को मत बताइयो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अर्काइव कर ले वो कर ले फलाना ढिंगाना, कुछ नहीं सुनूंगा मैं। कि भाई दिमाग से आदमी ना बार बार करते करते परेशान हो जाता है, मेरा भी सेम हुआ, हेलो नो रिस्पॉन्स, मतलब इसने ना क्या किया, मतलब माइंड से माइंड पे मेरा पूरा डिस्टर्ब कर दिया था माइंड। देखो आप 36,000 किसी को दोगे कुछ रीज़न के लिए, आप ट्रेनिंग वगैरह इसके लिए तो दोगे, आपको अगर नहीं मिलेगा आपका दिमाग ऐसे भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसने कल जब देखा कि भाई इसमें व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, भाई इतना रिस्पेक्ट भाई, इतना रिस्पेक्ट तो भाई रजत दलाल से, इतना रिस्पेक्ट उनसे, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा था भाई कल, मेरे को शायद ज़िंदगी में उनसे ना मिले कभी इतना रिस्पेक्ट, मिल भी सकता है, ठीक है। दिस इज़ रॉन्ग भाई, कल संडे था तो मंडे को इनका याद हुआ कि रिसिप्ट भेजना है। इसमें भी इस फ्रॉड है, देखो इसमें लिखा है कि 27 तारीख को दिया गया है रिसिप्ट, लेकिन मैं जब आज DTDC में गया कि 27 तारीख का माल अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, उन्होंने बोले कि ये माल तो बुकिंग कल ही हुआ है। अब बताओ, अब 27 तारीख का DTDC में, DTDC लेट नहीं करता है जहां तक मुझे पता है, और कभी लेट किया ही नहीं है, मेरा हर माल DTDC आता है। तो जहां तक DTDC से माल भेजा है 27 तारीख तक, 7 तारीख तक भी नहीं आया रिसिप्ट, और माल तो छोड़ो, और जब वो कल भेजता है रिसिप्ट, आज जब मैं पता करता हूँ, बोलता है कल ये मंडे को बुकिंग ही किया गया है, ठीक है। वो शॉर्ट्स डालने के बाद, मिलियंस टच होने के बाद, जब उसको लगा कि वो सही नहीं हो रहा है, ऑडियंस देख रहा है, तो उसने माल लगा दिया। अभी माल क्या लगाया है मैं रिसीव ही नहीं करूँगा, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि देखो जिस पैसा मैंने जो सामान के लिए दिया था, अगर एक कुछ पत्थर भी उसके उसमें दे देगा ना, मेरे को पता नहीं चलेगा ना, पत्थर भी घुसा के दे देगा 18,000 बोल के, मेरे को पता नहीं चलेगा। इसके बाद बोलेगा क्या, बोलेगा कि नहीं माल तो मैंने दिया हुआ है, तेरे को गलत रिसीव हुआ है, या फिर तूने स्कैम किया है। तो मैं माल रिसीव करने वाला नहीं हूँ अभी, क्योंकि मंडे को ये कल ये माल लगाया तुमने, तो ये माल मैं रिसीव नहीं करूँगा, सीधी बात, चाहे तुम रिसीव कर लो या फिर कुछ कर लो, ठीक है। इसके बाद बोलता है आई नेवर एक्सपेक्टेड व्हाट यू डिड बाय, ओह क्या रिस्पेक्ट है भाई, जस्ट क्योंकि किसी ने स्लिप नहीं भेजी, इसका मतलब ये नहीं बिना कंसेंट के उसकी कॉल रिकॉर्डिंग डाल दो। भाई पैसा लेने के टाइम तो डिले नहीं किया तुमने, ठीक है, तो बिना कंसेंट का तुमने कॉल रिकॉर्डिंग जो बोल रहे थे, तुम्हारे मुंह से भी ये निकला था कि भाई जो भी डालना है डाल दे, जिससे भी प्रमोट कराना है करा ले, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे भी प्रमोट करा ले करा ले, जो भी इन्फ्लुएंसर पकड़ना है पकड़वा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बोलता है तू ले अब लाइमलाइन जितनी लेनी हो भाई, भाई मैं लाइमलाइन के लिए कुछ किया ही नहीं, मैं तेरा फेस जो है ना, तूने जो किया है मेरे साथ वो सबको दिखाने के लिए किया, मैं लाइमलाइन मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा आदमी हूँ भाई, लाइमलाइन के लिए मैं किया ही नहीं ये सब, लाइमलाइन के लिए करता ना तेरे पास आता और वीडियो डाल देता, और नहीं तो जो तू कंट्रोवर्सी कर रहा था ना पहले उसका भी वीडियो डालता, लाइमलाइन के लिए किया भी नहीं है। देख ले वीडियो में, पूरा चैनल ढूंढ ले किसी का कंट्रोवर्सी में घुसा था कि नहीं, एक बार देख ले, ठीक है। लाइमलाइन का बात मत लाया कर,
ये फालतू का बातें मत किया कर। इसके बाद उसका ध्यान आता है कि प्लान भी अपडेट करना है, क्योंकि रिफंड का जो बात बोला है ना मैंने, दो मंथ्स का, टू मंथ्स का मैंने बोल दिया था कि एक महीना तू पेमेंट रख दे, क्योंकि तू फालतू का तो सर्विसेज दिया था, ठीक है तू रख दे फालतू का सर्विसेज के लिए भी तू 6,000 रख दे, बाकी दो महीने का पैसा वापस कर दे। इसने बोला प्लान अपडेट कर दिया है ताकि मेरे को पैसा वापस ना करना पड़े। उसके बाद ठीक है, दो तीन मैसेज डालता है और बोलता है पोस्ट चेक कर, ये फलाना ढिंगाना, और जो DDDC का वो है ना आप चेक कर लो, ये देखो इसमें क्लियरली मेंशन है कि 11 तारीख 11 मार्च को ये बुकिंग हुआ है, तो ये 27 कैसे लिखा है? इसमें भी फ्रॉड कर दिया क्या? बुकिंग का डेट है 11 मार्च और तुमने 27 लिख के सबको इंस्टा पर मैसेज कर रहे हो कि 27 तारीख का लग गया था माल, ठीक है तो वो भी गलत कर रहे हो तुम। ठीक है भाई, तो मैं कोई डिफेमेशन के लिए मैं किया नहीं है, अगर तुम डिफेमेशन का वो कर रहे हो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो सही है उसको कोई ना कोई सपोर्ट करेगा, और जो गलत है वो उसको भगवान जो है ना ऊपर बैठा हुआ वो सब देखते हैं भाई। भाई भगवान ऊपर में बैठ के ना सब देखते हैं, ठीक है किसी का अल्लाह हो सकता है, किसी का भगवान हो सकता है, किसी का और कुछ हो सकता है, गॉड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं। तू बचेगा नहीं, मेरे से बच सकता है, किसी और ने और ना तेरे को पकड़ेगा और किसी फंदे में फंसेगा तू और मरेगा, क्योंकि तू जो कर रहा है ना वो चीज़ सही नहीं कर रहा है, क्योंकि फेम के लिए तू कर रहा है, मैं फेम के लिए नहीं कर रहा हूँ, तू कर रहा है फेम के लिए। तू क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बहुत सारा मैसेज ऐसे आ चुका है मेरे पास कि भाई इसने भी मेरे साथ ये किया है, इसने भी पैसा खाया है, कमेंट में चेक कर लो, इसने भी पैसा खाया है, इसने भी ऐसा किया है, बहुत सारा मैसेज हुआ। तो अगर तुम्हारा जो टैलेंट है ना वो तुम ट्रेनिंग पे लगाते तो शायद ही तुम दूसरा तुमका तुम्हारा जो क्लाइंट जो है ना वो ऐसा गाली नहीं बकते। और अगर तुमको ट्रेनिंग नहीं देना है ना तो ट्रेनिंग का फीस क्यों लेते हो, फीस क्यों चार्ज करते हो अपना अपने लिए? और इतना चार्ज 2-3 हज़ार नहीं कर रहे हो तो 6,000 कर रहा है, 6,000 ठीक है। तो ऐसा बात मत कर कि लाइमलाइन ये सब, ये तो फेमस होने के लिए तू कर रहा है। एलवी शर मैक्सटान के बीच में घुस रहा है, वो उसका सिंघा को लेके आ रहा है, बच्चे को लाइव में लेके आके कान पकड़ा रहा है, क्या ना कर रहा है तू, हनुमान चालीसा पढ़ा रहा है भाई, वो हनुमान चालीसा कोई भी पढ़ सकता है भाई, ठीक है। और वो मन का होता है, जो भक्ति है ना वो मन का होता है, मन से किया जाता है, तो हनुमान चालीसा पढ़ा लेगा उसका क्या होगा, वो दूसरा दिन से पढ़ेगा ही नहीं, वो मन से करेगा ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ने का भी जरूरत नहीं, वो हनुमान को भक्ति करेगा और पॉजिटिव चीज़ करेगा, हेल्प करेगा लोगों को, ठीक है। वो सब मत कर, वो सब धंधाबाजी छोड़ दे, फालतू का चीज़। क्लाइंट पे अपना क्लाइंट जो पैसा दे रहे ना उन पे ध्यान थोड़ा दे, क्योंकि क्लाइंट पर भरोसा है तेरे पे, तू अच्छा ट्रेनिंग देता है इसीलिए क्लाइंट तेरे पास आते हैं। लेकिन इतना सारा मैसेज आया है ना मेरे पास तेरे अगेंस्ट में कि मैंने भाई पैसा दिया है हर दिन का चेकिंग के लिए, हर दिन का चेकिंग हटा ले, तो हर दिन चेकिंग नहीं मिलेगा, आई हैव पर्सनल लाइफ टू, तू बोल रहा था मैं ना मेरे को कि आई हैव पर्सनल लाइफ टू, तो पर्सनल लाइफ का वो हटा दे, हर दिन चेकिंग नहीं दे पा रहे ना कोई दिक्कत नहीं, लोगों का होता है, कोई होता है अपने पर्सनल लाइफ होता है तो दिक्कत नहीं है, हर दिन चेकिंग हटा दे ना, फीस कम कर दे पर्सनल लाइफ का, फीस कम कर दे और चेकिंग हटा दे, लोग तेरे पास आएंगे, लेकिन ट्रेनिंग दे अच्छे तरीके से, क्लाइंट को दे, क्लाइंट पैसा दे रहे, मेहनत करके पैसा दे रहे, पैसा मेहनत करके पैसा कमा रहे और पैसा दे रहे, स्टूडेंट्स लोग बहुत स्टूडेंट्स लोग हैं जिनके लिए 5-6 हज़ार ना बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू।